हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप भी बहुत अच्छे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलते हैं और वीडियो के साइड। गाइस, आपने ना कोरमा तो बहुत सुने होंगे, खाए भी होंगे, लेकिन जो आज मैं बनाने जा रही हूँ ना, वो पालक और अरबी से बनाते हैं उस वाले कोरमे को। ये सब्जी ही है गाइस, पर इसका नाम कोरमा है, लेकिन अरबी और पालक के साथ बनाया जाता है। ये मेरे पास ना 250 ग्राम पालक है, उसको मैंने अच्छे से ना धो लिया है। अब इसको हमें ना बॉईल करने के लिए रखेंगे। और गाइस, इसको है ना मैंने इनकी जो डंडियाँ होती हैं उनमें से उनको डंडियों को हटा दिया है, एकदम साफ कर लिया है। अब इसको ना जिस तरह हम पालक की सब्जी बनाते हैं ना पीस के, बस इसको है ना ऐसे ही महीन पेस्ट बना लेना है इसका। इसको ना मैं बॉईल करने के बाद इसको पीस लूँगी। तो गाइस, इसको हमने ना बॉईल करने के लिए रख दिया है, और इसमें ना मैंने पानी सिर्फ 1 गिलास डाला है, हम इसमें ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करते हैं। और इसको ना अच्छा सा पका लेंगे ताकि ये बहुत जल्दी से पीस जाए। इसको मैं ढक के पकाऊंगी, तो ये फटाफट 2 मिनट के तो 5 मिनट में फटाफट पक जाता है ये पालक। वो इसको ठंडा करके ही हमें इसे पीसना है। तो गैस, हमारा ये पालक बॉईल हो चुका है और इसको मैं ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। और गैस, ये मेरे पास ना 2 टमाटर है, इन्हें भी मैं अलग से पीस लूँगी, और ये पालक भी हम पीस लेंगे। और गैस, ये मेरे पास है ना 250 ग्राम अरबी है, इसको मैंने ना छिलके साफ कर लिए हैं और इसको लंबा लंबा काट लिया है। हम ऐसे ही लंबा लंबा काट लेंगे। तो पहले हमें ना अरबी का करते हैं, क्योंकि ये अरबी पालक कोरमा है, तो सबसे पहले हमें ना अरबी को फ्राई करते हैं। गाइस, मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, कढ़ाई में मैं डालूंगी घी। तो गाइस, इस अरबी के लिए ना हमें ना घी चाहिए, तो मैंने 1 चम्मच इसमें घी डाल दिया है। अब घी को मेल्ट होने देते हैं। ये मेरे पास है ना 1 चम्मच मेथी दाना है, तो इसको हम मेथी में पकाते हैं, तो इसमें मैं मेथी डाल दूँगी। घी हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें हम चटकने तक इसमें भुनेंगे। गाइस, मेथी हमारी अच्छे से भुन गई, अब इसमें मैं डाल दूंगी अरबी। गाइस, इसमें थोड़ा सा डाल दूंगी मैं नमक, ताकि ये अरबी है ना हमारे अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और जल्दी से पक जाती हैं। अब इसमें ना हमें कुछ नहीं डालना है, अब इसको है ना हम ऐसे ही तलेंगे, इसको ढक्कन लगा के रख दूंगी। तब तक ये पकेंगे, मैं साइड में ना पालक को पीस लेती हूँ और टमाटर को पीस लेते हैं। गाइस, देखते हैं हम कि हमारी अरबी कितनी पकी है। गाइस, बहुत अच्छी एकदम ब्राउन कलर की हो गई है, बहुत करारी भी हो गई है। गैस, अब मैं गैस के फ्लेम को बंद कर देती हूँ। इसको ले लेते हैं हम दूसरे बर्तन में। और गैस, साइड में हमने ना ये मैंने पालक को भी अच्छा सा पीस के रखा है, और ये टमाटर भी अच्छा सा पीस गया है। अब हमें ना प्याज को बारीक काटती हूँ, प्याज हम 2 लेंगे। तो गैस, अब हमारे सारी तैयारियाँ हो गई, पालक भी पीस गया, टमाटर भी पीस गया, अरबी भी फ्राई हो गई। अब इसी कढ़ाई के अंदर है ना हम ऑयल डालूंगी, और ये दाने हैं ना ये भी आपने यूज़ हो जाएंगे। तो अब मैं सब्जी बना रही हूँ, तो मैं ऑयल डाल रही हूँ, मस्टर्ड ऑयल। आप जैसा ऑयल खाना चाहते हो आप उसी हिसाब से डालेगा। मैंने ना भर के 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है, ये हमारा सरसों का ही ऑयल है। गैस, हमारा ऑयल हो चुका है, अब इसमें मैं डालूँगी अजवाइन। अरबी है तो अजवाइन में ही पकाएंगे। प्याज को है ना लंबा लंबा काट लिया है। ये मिर्ची अच्छी भी डालती हैं। प्याज का ना हमें बिल्कुल भी पेस्ट नहीं बनाना है, प्याज को हमें ऐसे ही काटनी है लंबी से, इससे अच्छी दिखती है। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हमें भून लेंगे। अदरक का पेस्ट, इसको भी साथ में भून लेंगे। प्याज भूनने वाला मैजिक, जो मैं नमक डालती हूँ, फटाफट हमारी प्याज भून जाती है। और गैस, नमक को आप अपने हिसाब से डालें, क्योंकि जैसा आप जैसा खाना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग डालना है, क्योंकि नमक हमने अरबी में हल्का डाल दिया है। इसको अच्छा सा भून लेंगे। प्याज हमारी, गैस, प्याज एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें मैं डालूंगी जो पिसा हुआ टमाटर है, उनको डाल देंगे। इसको भी हम अच्छे से भूने। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। तो गैस, मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, ये और लाल मिर्ची का पाउडर, तीखा आप जैसा खाना चाहे उसी के अकॉर्डिंग डालें। इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच। गैस, अभी हम मुझे इतने ही मसाले डालने हैं। ये ना अरबी पालक कोरमा है, तो ये बहुत ही यूनिक सब्जी है गैस। इसको अच्छा सा भून लूँगी, मसाला हमारा अच्छा सा भून जाएगा ना, एकदम साइड से तेल छोड़ने लगेगा। उसके बाद इसमें हम क्या डालेंगे तो मैं अभी आपको बताती हूँ। ये मेरे पास है ना 2 चम्मच मलाई है, तो इसमें हम मलाई डाल देंगे। अच्छे से इसमें भून लूँगी।
अब कर इसमें डालूंगा भर के एक कटोरी दही, उसको अच्छे से भून लेंगे इसी के साथ। अब इसमें जाएगा पिसा हुआ पालक, गैस इसमें मैं डाल दूंगी पालक, तो पालक भी भूनना है। अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम पानी। अब गैस इसमें अभी मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी, इसी कटोरी में ही पानी डाल दिया है ताकि पालक था वो भी आ जाएगा। अब इसको अच्छी तरह हम भूनेंगे, बहुत अच्छे से भूनना है ताकि इसका कच्चापन हट जाए, क्योंकि पालक तो वैसे ही पका मतलब बॉयल था तो हल्का सा रह जाता है इसकी स्मेल, तो वो हट जाएगी। इसको मैं ऐसे ही पका लूँगी और हल्के से खोल आएगा, उसके बाद डालूंगी मैं इसमें पानी। देख रहे हैं आप पालक भी हमारा बहुत अच्छा पक गया है, साइड से ऑयल भी छोड़ने लगा। इस पोजीशन में डालूंगी पहले मैं अरबी, उसके बाद डालेंगे इसमें हम पानी। तो ये अरबी मेथी सब डाल दिए इसके अंदर, इसमें मेथी सॉरी अरबी को हमें ना इसमें डाल देंगे। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा और पानी। अब गाइस इसमें हम पानी ऐड करेंगे एक कप, इसमें डालूंगी मैं, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है गाइस, ये दो कप, ये चाय वाले कप हैं, सिर्फ दो ही कप पानी डाले हैं, ज़्यादा पानी नहीं डालना गाइस। अगर आपकी ज़्यादा सब्जी है तो आप अपने हिसाब से पानी डालें, क्योंकि ये सब्जी हमको ना बिल्कुल पतली नहीं चाहिए होती है, क्योंकि ये अरबी पालक का कोरमा है गाइस, तो एक हल्का सा गाढ़ा ही होता है ये। अब इसको हम पकाएंगे स्लो फ्लेम पर। गाइस सब्जी हमारी बहुत अच्छी पकी है, यानी पकने की पहचान भी आ जाती है गाइस। देख रहे हो आप साइड से ना पूरा ऑयल निकलने लगा है, तो यानी हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे हींग, मैं हींग को बाद में डालती हूँ ताकि अच्छे से खुशबू बनी रहे इसमें गाइस। हींग डाल दिए, अब इसमें मैं डालूंगी कसूरी मेथी एक चम्मच, ताकि अच्छी सी खुशबू आएगी गाइस इसमें। अब लास्ट में जाएगा इसमें गरम मसाला, गाइस इसमें डालेंगे हम एक चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला ये आपको अच्छा लगे तो आप इसमें डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन गरम मसाले से क्या है, बहुत स्वादिष्ट लगती है सब्जियों में, अलग से महक आती है वो। तो गैस बिल्कुल आपको एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल की लगेगी ये। अब इसमें डालूंगी मैं हल्का सा हरा धनिया, हरी सब्जी है तो क्या हुआ हरा धनिया नहीं डाल सकते, डालेंगे ना गैस, मैं डालूंगी इसमें हरा धनिया। तो गैस अब इसमें डालेंगे हम हरा धनिया, धनिया मुझे बहुत पसंद है। और ये बन गई हमारी अरबी पालक का कोरमा। अब गैस आप इसको मिसी रोटी से खाएं, पराठे से खाएं, पूड़ी से खाएं, जिससे खाना चाहते हैं आप उससे खाएं। इसको ले लेंगे गैस हम दूसरे बर्तन में। तो गैस फाइनली मेरा अरबी पालक कोरमा बनके तैयार हो गया है गैस, आपने ना होगा। लेकिन गैस आपने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि अरबी के साथ भी पालक कोरमा बनाया जाता है। जी हाँ गैस, आज मैंने आपके लिए बहुत शानदार वीडियो तैयार किया है, और गाइस इतनी स्वादिष्ट सब्जी है कि आप है ना पालक आपके घर में आएगा तो आप 100% आप इसी सब्जी को बनाएंगे। और गाइस आपको मेरा अरबी पालक कोरमा पसंद आया हो तो प्लीज आप इसको लाइक करना, मेरी इस रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, बेल आइकन घंटी को प्रेस करना, मैं ऐसे वीडियो लेके आऊंगी। टेक केयर। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज उसको लाइक करना, मेरी इस रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, बेल आइकन घंटी को प्रेस करना, तो मैं ऐसी वीडियो लाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मुझको सब्सक्राइब करना। टेक केयर।